गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। दोस्तों, कैसे आप लोग? और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सर, इस हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, स्पेशली इस सर्दियों के दिनों में, क्योंकि सर्दी बन के आती है काल हार्ट पेशेंट्स के लिए या उनके लिए जो हाई रिस्क पे होते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सिर्फ तीन काम आपको करने हैं, ज्यादा काम करने नहीं है। और सबसे बड़ा काम करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है, फिर आगे बढ़ना है। मैं यूं गया और आप हार्ट का सॉल्यूशन लेके अभी आ रहा हूं। बस मैं तो फ्रीज हो गया। दोस्तों, ऐसा है, हार्ट प्रॉब्लम यानी हार्ट की ब्लॉकेज, हार्ट अटैक है ना, इन सब को रोकने के लिए आज मैं छोटा सा टॉपिक है कि सिर्फ तीन काम करने हैं। पहला तो बताऊंगा इस सर्दियों में, क्योंकि सर्दियां हमेशा एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के आती हैं। ठंड जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए और हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आता है। एक तो इसमें क्या करना है, उसके साथ जनरल क्या करना है, दूसरा बताऊंगा कुछ टेस्ट जो आपको जरूरी हैं कुछ लोगों के लिए वो आप करा के रखें, तीसरा कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत जरूरी हैं अपने पास रखें। बस तीन काम ही करने हैं, ठीक है। हालांकि काम इतने आसान नहीं है जितने आपको लग रहे हैं। पहली चीज, ठंड। ठंड में हमारे पास दो मुसीबतें आती हैं हार्ट पेशेंट के लिए। एक तो ठंड जो होती है, आपको मैंने पहले बताया कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है ठंड के अंदर, है ना। और ठंड में हमारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, बाहर निकलता नहीं इंसान, सुस्त हो जाता है, रजाई में पड़ा रहता है, टीवी पर लगा रहता है, मोबाइल पर लगा रहता है, तो उन लोगों के कोलेस्ट्रॉल शुगर और बढ़ जाते हैं बड़े बड़े बिस्तर में। पहली चीज, आपने एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है, आप अपने घर के अंदर ही जितने भी स्टेप आप 5,000 कर सकते हो, 4,000 कर सकते हो, 6,000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो, घर के अंदर ही चलना शुरू कर दें, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और दिल्ली जैसे शहर में ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी इस समय पीक के ऊपर है, दोनों ही खतरनाक है हार्ट के लिए और लंग्स के लिए। तो पहली चीज, अपनी एक्सरसाइज बंद मत करिएगा। योगा, स्ट्रेचिंग, एरोबिक, एनारोबिक, कोई भी बिक, सब करते रहिएगा, जो जो आप घर में कर सकते हैं, घर में रह के करना है। घर से बाहर निकलने की हिम्मत ज्यादा मत दिखाइएगा, स्पेशली ओल्ड एज वाले पेशेंट, स्पेशली वो जो बीमार हैं, सिक हैं, जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये 15-20 दिन के लिए अभी घर से निकलना बंद कर दें, अगर बंद कर सकते हैं। अब किसी की नौकरी है तो वो कुछ कर नहीं सकता, किसी के बहुत जरूरी काम है तो वो रुक नहीं सकता, सिर्फ यही है कि भाई पूरे गर्म कपड़े पहन के घर से बाहर निकलो, नंबर एक। नंबर दो, हमारी डाइट बदल जाती है सर्दियों में आके, है ना, गच्चक, मूंगफली, रेबड़ी, मीठा बढ़ जाता है। एक तरफ हमारा लाइफस्टाइल सिडेंटरी हो गया, हमने चलना फिरना बंद कर दिया, ऊपर से हमारी डाइट उल्टा बढ़ जाती है, कैलोरीज बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, ये सब चीजें और खराब करती है, आपके शुगर बीपी को और बढ़ाती है। तो खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा। अब लोग यही कहते हैं सर अभी गच्चक नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, सर्दियों तो एक बार आती है। भाई खा ले, खा खा के तो तेरा ये हाल हुआ पड़ा है, गर्मियों में तुझे कुछ और नजर आता है, सर्दियों में तुम्हें कुछ और नजर आता है ना। कुल मिला के जो भी खाओ लिमिट में खाओ और उतना खाओ जो आप उसको डाइजेस्ट कर सको, उस कैलोरीज को आप बर्न कर पाओ, ठीक है। तो गच्चक वच्चक नाम के लिए ठीक है, इतना सा पीस ले लिया आपने खाने के बाद, बहुत है क्या, क्या है यार, सब कुछ आपके यहां पे है, आप इसको कैसे फोकस करते हैं, है ना। खाने को पूरी पट्टी खा जाओ इतनी बड़ी एक मिनट में, और उसी पट्टी को आप पूरे 10 दिन में भी खा सकते हो, थोड़ा 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 चूरा करके, है ना। तो एक तो ये हो गया, तीसरा वो सब के लिए कि अपने शुगर कंट्रोल रखो, बीपी कंट्रोल रखो, वजन कम करो, वजन कम करना तो मैंने बता ही दिया भाई, ये सब काम करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक तो यही है कि अपनी और दवाइयां टाइम पे लेते रहें, दवाइयों को आपने बंद नहीं करना, जो भी हार्ट के पेशेंट अपनी दवाइयां रेगुलर लें, कोई स्किप नहीं करना, और बीपी रेगुलर चेक करते रहें, बीपी है ना, बीपी बढ़ने से भी प्रॉब्लम होती है। तो एक तो ये हो गया कि आपने ये काम करने हैं। दूसरा, अब मैं बात करूंगा कि वो जो दो तीन टेस्ट हैं बहुत जरूरी टेस्ट, वो कौन से हैं जो आपको कराने हैं। पहली चीज कि एक तो नॉर्मल रूटीन टेस्ट, अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, है ना, और या पहले हम बोलते थे 40 साल 45 साल से ज्यादा, अब मैं बोलता हूं 35 साल से ज्यादा, अगर आपकी 35 साल से उम्र ज्यादा है तो साल में एक बार अपने सारे टेस्ट जरूर कराइएगा, जिसमें रूटीन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, KFT, B12, शुगर, HbA1c, ECG, ये सब टेस्ट साल में एक बार जरूर होने चाहिए, ठीक है।
कुछ लोग कहेंगे सर 35 साल में भी आप ऐसा अपना धंधा चालू कर रखा है, भाई मैं चलो ठीक है वो लोग करा लो जो जिनको शुगर है, बीपी है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, वो लोग तो जरूर कराओ, अब बाकी 40 साल के बाद करा लेना, तब तक आप दारू सुट्टे उट्टे मारते रहो अपने, हमें क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं उन टेस्टों की जो हार्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक टेस्ट है। एक हो गया ईसीजी, ये तो रूटीन टेस्ट है ईसीजी, ये कोई बड़ा टेस्ट नहीं है। दूसरा इकोकार्डियोग्राफी, क्योंकि कोविड के बाद ऐसा देखा गया कि सडन कार्डियक डेथ के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं और लोग की हार्ट की मसल वीक होती जा रही है और उनको पता ही नहीं चलता कि मेरी हार्ट की मसल वीक हो चुकी है, तो इसीलिए अपना इकोकार्डियोग्राफी जरूर करा लें, भले 2D को ही क्यों ना करा लें। और एक इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट करीब करीब 2,000 से लेकर 3,000 रुपये के बीच में होता है प्राइवेट में, उसमें और अच्छी जगह से कराएं, एक बार देख भी लें करने वाला कौन है, क्या उसके पास कोई डिग्री भी है, ये बड़ा लफड़ा है इन टेस्टों में। अच्छा, अब आते हैं असली टेस्ट के ऊपर, जो मैं सबको बोलता हूं कि ये टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, नंबर एक, अगर आपको शुगर है, बीपी है, प्री डायबिटिक है, साथ में आपको थायराइड भी है, नहीं भी है थायराइड, अगर शुगर बीपी है तो यही अपने आप में बहुत बड़े हैं, उसके साथ में किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है, किसी का मोटापा है, स्मोकर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है कि किसी की डेथ 50 साल से कम उम्र में, ये 55 साल से कम उम्र में किसी की डेथ आपकी फैमिली में हुई है, आपके पेरेंट्स में हुई है, आपके ब्रदर सिस्टर में किसी की हुई है, इवन चाचा ताऊ भी आपकी क्लोज फैमिली में ही आते हैं, तो ये सब चीजें शो करती हैं कि आप भी हाई रिस्क पे हैं। तो एक तो वो पेशेंट, दूसरे जिनको शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल मैंने पहले बता दिया ये सब है, तो और वजन बढ़ा हुआ है, तो ये आपको अपना सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नाम का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। क्योंकि एंजियोग्राफी के लिए तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि हर पेशेंट को एंजियोग्राफी करानी चाहिए, हाँ जो पेशेंट सिम्टोमेटिक है, अब यहाँ पे ये भी बात है कि किसको डायरेक्ट एंजियोग्राफी करानी चाहिए, दूसरी वाली तार डाल के जो होती है एडमिट होके, अगर आपको बिल्कुल क्लियर आपके ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, नंबर एक, दूसरा आपके सिम्टम बिल्कुल ये कर रहे हैं कि आपको अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है, मतलब चलते ही आपके छाती में भारीपनी, अच्छा सांस फूलने लगती है और ईसीजी भी गड़बड़ है, तब मैं बोलूंगा कि आप इन्वेजिव एंजियोग्राफी कर सकते हैं, आप एडमिट होकर अपनी तार डलवा के कर सकते हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी उनके लिए है जिनका ईसीजी में कुछ नहीं आ रहा है, नंबर एक, इनके सिम्टम डाउटफुल हैं और जो जिनके पास हाई रिस्क फैक्टर है और या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके लिए एक रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट है, मैं यकीन मानिएगा, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 45 की एज के बाद 50% लोगों में एथरोस्क्लेरोसिस यानी चर्बी जमा हो जाती है, ब्लॉकेज शुरू हो चुकी होती है, हो जाती है, पता उन 50% में वैसे भी सिर्फ 50% को पता चल पाता है कि आपके अंदर ब्लॉकेज हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए फिर बाद में बड़े ऐसी तैसी होती है, सडन पहुंचने हॉस्पिटल, ये हो गया वेंटिलेटर पे डाल दिया जी, उनकी तो तीनों नाड़ियां बंद थी, फलाना डिपका, मेरे पास रोज ऐसे केसेस आते हैं, इसीलिए मैं एडवाइस करता हूं कि पहले से ही करा लो। अब आप कहोगे सर सीटी एंजियोग्राफी में तो इंजेक्शन दिया जाता है, रेडिएशन होता है, फलाना है ढिमका, देखो 128 स्लाइस की मशीन होनी चाहिए जो एडवांस है, जिसमें टाइम बहुत कम लगता है, जितना कम टाइम लगेगा उतना रेडिएशन कम होगा, तो 128 स्लाइस की मशीन अगर है और अच्छी लैब है तो वहां से करा लें, नंबर वन। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ कैल्शियम स्कोरिंग क्यों ना करा लें, जिनको किडनी की प्रॉब्लम का डाउट है, किडनी खराब हो जाती है, भाई किडनी खराब पहले आपका टेस्ट कराते हैं यूरिया क्रिएटिनिन उसके बाद ही करते हैं, ऐसे नहीं करते। और दूसरा कैल्शियम स्कोरिंग मैंने कई बार देखा कि जहां पे ब्लॉकेज निकल आई और कैल्शियम स्कोरिंग बिल्कुल जीरो है, तो मैं उसको कोरिलेट इतना ज्यादा अच्छा कर नहीं पाता हूं। कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट, एक कैल्शियम जमा हो जाता है तो उससे भी कुछ हद तक पता चल जाता है कि ब्लॉकेज है नहीं, लेकिन वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, नो डाउट वो सस्ता टेस्ट है, 3,500-4,000 में हो जाएगा। सीटी एंजियोग्राफी 14-15,000 की है, मेरे पेशेंट्स के लिए वो हाफ रेट में हो जाती है करीब करीब यहाँ वेस्ट दिल्ली में, तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप आइए और मैं आपको आधे रेट में करा दूंगा, है ना। लेकिन उस आप अपने फालतू के शौक पे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, टेस्ट के नाम पे आप रोते हैं, तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस समय आज की डेट में पोस्ट कोविड में जहां इतने पेशेंट हार्ट अटैक से मर रहे हैं, इस समय मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, भले ही 100% एक्यूरेट क्यों ना हो, लेकिन अगर 90% 85% तक भी एक्यूरेट है तो काफी, और अगर ये नॉर्मल आता है ना सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी तो मस्त रहिए, मतलब फिर तो आप बिल्कुल ही नॉर्मल है, आपकी वो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। हाँ, इसमें ब्लॉकेज निकल आए, ये हो सकता है कि ये आपकी ब्लॉकेज 50% दिखा रहा है और आपने तार वाली कराई तो उसमें 60% निकल आई या उसमें 10% ऊपर नीचे हो गई, 20% ऊपर नीचे हो गई, ये हो सकता है, लेकिन जिसकी नॉर्मल है वो खुश रहे,
क्योंकि उसमें फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट है नेगेटिव वाले में। तो इसलिए और सबसे बड़ी चीज होती है, हम लोग इतने गुमराह होते हैं, इतने घबराए हुए होते हैं, जब ये टेस्ट हो जाता है ना, काफी एंजाइटी तो अपने आप ही खत्म हो जाती है। एक बंदा कहता है कि चल यार अब मेरा कुछ नहीं निकला, अब मैं आराम से जी सकता हूं, रोज रोज डॉक्टर के धक्के खाने से चले, फिर TMT कराओ, इको कराओ, इनके रिजल्ट फालतू के टेस्ट हैं, यूजलेस टेस्ट हैं। मैं सच बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं इनमें समझ में आता, ये सब बकवास टेस्ट लगते हैं मुझे। ठीक है, अपनी अपनी वो है, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है वो तो कहेंगे जी पहले TMT कराओ, पहले इको कराओ, फलाना कराओ, ढिमका कराओ। मैं बोलूंगा इन सबको बाईपास, इको तो ठीक है, इको हार्ट की मसल्स बताता है जो एंजियोग्राफी नहीं बता पाता, इको कराएं, ECG कराएं और सीधा CT करो, एंजियोग्राफी कराएं, 4 घंटे खाली पेट रहना है, और साथ में अगर किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है आप आराम से जाके करा सकते हैं। और अब फिर ये सवाल भी होता है कि रिपीट कब कराएं CT एंजियोग्राफी, मेरे हिसाब से वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। 5 से 10 साल से पहले रिपीट कराने का मुझे कोई तुक नजर नहीं आता, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, क्योंकि ये तो कोई गारंटी नहीं है कि आज ब्लॉकेज नहीं है और आप अपने कर्म ठीक ना करो और 2 साल 4 साल के बाद किसी को ब्लॉकेज नहीं होगी, ये कोई गारंटी नहीं है। तो एक बार नॉर्मल आ जाने पे ये मत सोच लो कि मैं तो चौड़ा हो जाऊं, मैं तो सुट्टे भी मारूंगा, मैं तो ये भी करूंगा, मैं तो वो भी करूंगा, भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आने वाले 2-4 साल में आपको नहीं होगी ब्लॉकेज, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं आज की बात कर रहा हूं। चलिए, इसीलिए बोलता हूं कि लाइफस्टाइल ठीक रखना आगे भी पड़ेगा। और तीसरा, कोई दवाइयां आपके पास होनी चाहिए और कोई दवाइयां आपको शुरू कर देनी चाहिए, जैसे कि मैं शुरू कर चुका हूं अपने ऊपर स्टेटिन लो डोज में, मुझे भी ब्लॉकेज 25% माइनस ही निकली थी CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, फिर मैंने शुरू कर दी। और पोस्ट कोविड के बाद मैं फिर बोलता हूं इकोस्पिरिन स्टेटिन का यूज अब थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लो डोज में ही क्यों ना दें, और लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के लें। ये तो हो गई प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के लें, अपने आप मत लें। मैं भी फिर बोल रहा हूं, कुछ दवाइयां अपने घर में रखें जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, स्टेटिन और एक सोबिट्रेट जो जीभ के नीचे हम रख देते हैं जब हार्ट पेन होता है, दर्द होता है, सिर्फ BP चेक करना होता है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो इसको आप देख सकते हैं। और चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा टॉपिक था कि हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए सिर्फ आपको 3 काम करने हैं सर्दियों में, ये काम करने हैं, ये टेस्ट कराने हैं, ये दवाइयां आपके पास होनी चाहिए और कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, फेक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट मत करें, इतना मेरी रिक्वेस्ट है। जाते जाते छोड़ता नहीं है डॉक्टर काल, खातून की खिदमत में सलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का, कुत्ती पटाना है मरीज पटाना है, मरीज फंसाना है, कैसे भी फंसाओ, उसकी नॉर्मल एंजियोग्राफी हो उस पर भी बोल दो ECP करा लो, ECP करा लो, ब्लड खोल देंगे, ब्लॉकेज खोल देंगे। अबे कुछ है नहीं भाई, बख्श दो यार, लोग वैसे ही परेशान है, एक तुम अपनी सबको लपेटने की लगी हुई है हर एक को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।